कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 51, और यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का रियल इमेज एक कन्वर्जिंग लेंस बना रहा है, और ये जो रियल इमेज बना रहा है वो वहाँ पे इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में पी टाइम्स ज़्यादा है। और जब हम लोग इस लेंस को ऑब्जेक्ट की तरफ ए डिस्टेंस शिफ्ट करते हैं तो ये सेम ऑब्जेक्ट का इमेज क्यू टाइम्स इनलार्ज बनाता है, और अगेन ये रियल इमेज ही रहता है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि हमारा जो लेंस है उसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को रिकग्नाइज करेंगे कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट रियल है और उसका इमेज भी रियल है, इस केस में हमारा जो मैग्निफिकेशन m होता है वो निगेटिव होता है, यानी कि p और q का मैग्नीट्यूड तो p और q है बट उसका जो साइन होगा वो हमें निगेटिव लेकर के चलना पड़ेगा। इसके आगे हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि इनिशियली हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है और लेंस का जो पहले पोजीशन था उसके बीच का सेपरेशन हमारे पास ये x है। अभी हम लोग मैग्निफिकेशन का फार्मूला u के टर्म्स में चेक करना चाहेंगे तो हमें लेंस फार्मूला पता है 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 1/v जो हो गया हमारे पास दैट इज इक्वल टू uf/u+f, एंड यहाँ से हम लोग v का जो वैल्यू है वो बता सकते हैं, इट विल बिकम uf/u+f। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस हमें पता है m इज इक्वल टू v/u हो जाता है, v हमारे पास uf/u+f है, दिस थिंग डिवाइडेड बाई यू करना है तो इन टू 1/u कर लीजिए, ये u और ये u कैंसिल हो गया एंड आई एम गेटिंग f/f+u एंड दिस इज माई मैग्निफिकेशन। और इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे, बस हमें साइन स्कीम का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ पे इस लेंस में हम लोग ये मान लेते हैं कि हमारा जो फोकल लेंथ है वो f नॉट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u यहाँ पे x है मगर साइन स्कीम के हिसाब से इसको माइनस x लेना पड़ेगा। तो फॉर फर्स्ट केस हमारा जो मैग्निफिकेशन है वो उसका मैग्नीट्यूड p है बट साइन के हिसाब से सिंस हमारा इमेज रियल है तो m का वैल्यू माइनस p हो जाएगा। m के जगह पे f की वैल्यू लिखते हैं तो f नॉट है और कन्वर्जिंग लेंस है इसलिए पॉजिटिव होगा, सो f नॉट डिवाइडेड बाई f नॉट प्लस u के जगह हम लोग माइनस x लिखेंगे एंड दैट वुड बी इक्वल टू माइनस पी। तो ये हमारे पास पहला एक्सप्रेशन जो है वो आ रहा है। सो लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस गिवन एक्सप्रेशन। सो आई विल राइट इट इज f नॉट विल बी इक्वल टू माइनस पी f नॉट एंड हियर माइनस माइनस प्लस सो आई विल राइट x p एंड हियर आई कैन राइट f नॉट प्लस pf naught is equal to xp and from here I can say that x is equal to f naught plus pf naught by p। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। इन द सेकेंड केस यहाँ पे फोकल लेंथ तो लेंस का f naught ही रहेगा बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है इस बार वो चेंज हो जाएगा एंड दैट विल बिकम x माइनस a। साइन स्कीम के हिसाब से इसके आगे एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। सो इन सेकेंड केस आई हैव गॉट माई मैग्निफिकेशन एज माइनस क्यू, सो लेट मी राइट m इज इक्वल टू माइनस क्यू। सो आई विल राइट m का वैल्यू f/f+u, सो f तो f नॉट ही है, डिवाइडेड बाई f नॉट प्लस u इज बेसिकली माइनस ऑफ x माइनस a एंड दैट थिंग इज इक्वल टू माइनस क्यू। इसको हम लोग आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहेंगे, सो इट इज f नॉट बाय f नॉट माइनस x एंड माइनस माइनस प्लस a एंड दैट इज इक्वल टू माइनस q। सो गाइज हम लोग इस एक्सप्रेशन तक आ चुके हैं दैट f नॉट बाय f नॉट माइनस x प्लस a इक्वल टू माइनस q। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, सो आई कैन से दैट f नॉट इज इक्वल टू माइनस क्यू f नॉट
माइनस माइनस प्लस क्यू एक्स एंड माइनस क्यू ए, जस्ट मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अभी हम लोग यहाँ से आगे चल सकते हैं और लिख सकते हैं कि एफ नॉट प्लस क्यू एफ नॉट प्लस क्यू ए इज इक्वल टू क्यू इंटू एक्स, और एक्स का जो वैल्यू हमने पहले डिराइव किया हुआ है वो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू है एफ नॉट प्लस पी एफ नॉट बाई पी, ये हमने यहाँ पे डाल दिया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो इट इज़ एफ नॉट प्लस क्यू एफ नॉट प्लस क्यू ए इज इक्वल टू क्यू एफ नॉट प्लस पी क्यू एफ नॉट बाई पी आ रहा है। हम लोग पी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ये आ रहा है पी एफ नॉट प्लस पी क्यू एफ नॉट प्लस पी क्यू ए इज इक्वल टू क्यू एफ नॉट प्लस पी क्यू एफ नॉट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पी क्यू एफ नॉट दोनों साइड है तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ और पी एफ नॉट को आर एच एस में ले जाते हैं। देन आई विल हैव पी क्यू ए इज इक्वल टू एफ नॉट टेकन एज कॉमन क्यू माइनस पी, एंड फ्रॉम हियर आई कैन से दैट एफ नॉट इज इक्वल टू पी क्यू ए ओवर q माइनस पी, और ये हमारे फोकस की वैल्यू हो जाएगी। और यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। सो दैट वाज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 51। सो गाइस कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 52, और इसमें हमारे पास टू लेंसेज का एक सेटअप दिया हुआ है जिसमें कि दोनों का जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो डी अपार्ट है, एक दूसरे के साथ डी डिस्टेंस पे है, एक दूसरे के पैरेलल है बट डी सेपरेशन पे है। दोनों लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो थ्री टाइम्स द फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंस है। कहने का मतलब है कि दोनों लेंस का जो फोकल लेंथ है वो एफ एफ ही है। अभी हमसे पूछा जा रहा है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आएंगी वो फाइनली दोनों लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ पे अपना इमेज फॉर्म करेंगी। तो अभी यहाँ पे बोला गया है कि जो पहला लेंस है उसका ऑप्टिकल सेंटर हमारा ओरिजिन है, और इसका प्रिंसिपल एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। इन सारी बातों को कंसिडर करते हुए हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि सबसे पहले जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आएंगी वो पहले लेंस के फोकस पे जा करके कन्वर्ज कर जाएंगी। तो पहला तो ये होने वाला है कि पहला इमेज हमारा यहाँ पे बनेगा। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा पहले लेंस से ये एफ के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल डिस्टेंस 3f है, तो दूसरे लेंस से इसका डिस्टेंस 2f हो जाएगा, और यही जो पॉइंट है वो एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा हमारे दूसरे लेंस के लिए। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है, वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये एज एन ऑब्जेक्ट जब काम कर रहा है दूसरे लेंस के लिए तो उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दूसरे लेंस से 2f है। और हमें ये बात पता होती है कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट किसी कॉन्वेक्स लेंस से 2f डिस्टेंस पे होता है तो वो अपना इमेज भी लेंस के दूसरे साइड 2f डिस्टेंस पे ही बनाता है, और मैग्निफिकेशन इस केस में 1 होता है। सो लेट मी राइट दिस थिंग इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2f from the optical center, OC stands for optical center, then its image is formed at a distance 2f from the optical center on the other side of the lens. And here
मैग्निफिकेशन इज वन, इन दोनों बातों को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये बता देंगे कि ये जो अगर हमारा ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है तो ये दूसरे लेंस से 2f डिस्टेंस पे इसका इमेज बनेगा। सो लेट अस से दिस इज 2f, तो इस लाइन में कहीं हमारा इमेज लाई करेगा। अब अगर हम लोग ये बात करें कि हमारा मैग्निफिकेशन यहाँ पे वन है, सो लेट अस कंसिडर दिस एज अ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, लेकिन हमें बस इस पॉइंट के इमेज में इंटरेस्ट है, लेट अस कॉल इट आई। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे मैग्निफिकेशन वन है, कहने का मतलब है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट साइज रहेगा वही हमारा इमेज साइज भी हो जाएगा। इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे जब इमेज बनेगा तो उस इमेज का साइज भी यही रहेगा। कहने का मतलब है कि इस इमेज का साइज डी है, यानी कि एज एन ऑब्जेक्ट जब ये काम कर रहा है तो इस ऑब्जेक्ट का साइज डी है, तो इमेज का साइज भी डी रहेगा, लेट अस कॉल इट आई प्राइम। तो ये भी डी डिस्टेंस पे ही बनेगा। तो अभी हम लोग इसके एक्स कोऑर्डिनेट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ से काउंट करें तो ये एफ हो गया, ये डिस्टेंस 2f हो गया और ये डिस्टेंस भी 2f हो गया। सो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास आ रहा है 5f, और अगर वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ से ये डी डिस्टेंस पे है और फिर ये यहाँ से डी डिस्टेंस पे है, तो टोटल हमारे पास 2d डिस्टेंस आ गया। तो फाइनल इमेज की अगर बात करें, उसके कोऑर्डिनेट की बात करें, तो इट इज़ इक्वल टू 5f कॉमा 2d, ये इसका x और y कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास। सो गाइज, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 53, और इसमें बात की गई है 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाले एक कॉन्वेक्स लेंस की, जिससे 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, और इससे 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक स्क्रीन रखा हुआ है, और इस स्क्रीन पे हमें एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो पूछा गया है, और साथ ही साथ हमें ये भी बताया गया है कि हमारा जो लेंस है उसका डायामीटर 3 सेंटीमीटर है। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग इसका इमेज कहाँ पे फॉर्म करेगा वो पता कर लेते हैं। वेरी सिंपल, हम लोग बोलेंगे 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। तो 1/u हमारे लिए हो गया 1/-15, और f तो हमें दिया हुआ है 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं, LCM हमारे पास 30 आ रहा है, -2 + 3, सो इट इज़ 1/30। कहने का मतलब हमारा जो इमेज बनेगा वो लेंस के दूसरे साइड 30 सेंटीमीटर पे बनेगा। तो आई जस्ट वॉन्ट टू ड्रॉ रे डायग्राम। स्क्रीन 20 सेंटीमीटर पे है, तो स्क्रीन के बाद हमारा कहीं इमेज आकर के यहाँ 30 सेंटीमीटर पे बनेगा। सो दिस इज द पोजिशन ऑफ माई इमेज, और यही जो स्क्रीन का एरिया होगा वो एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन हो जाएगा, और यही वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि लेट अस से ये हमारा लेंस हो गया, यहाँ पे मैंने लेंस के अपर्चर को रिप्रेजेंट किया है, और स्क्रीन जो है वो रखा हुआ है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, और फाइनली हमारा जो इमेज है वो 30 सेंटीमीटर पे बन रहा है। लेट अस से यहाँ पे हमारा इमेज बन रहा है, और अगर यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पे हमने स्क्रीन रखा है तो ये जो सर्कल बनेगा वही सर्कल हमारा इल्यूमिनेटेड होगा। तो यहाँ पे बाई सिमेट्री हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो लेंस का डायामीटर है, लेट अस कॉल इट डी, और हमारे स्क्रीन पे जो इल्यूमिनेटिंग सर्कल है उसका डायामीटर को लेट अस कॉल इट स्मॉल डी, और ये हमारा इमेज का पोजीशन है। ये डिस्टेंस हमें पता है 30 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस हमें पता है 20 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली इस डिस्टेंस को हम लोग 10 सेंटीमीटर कहेंगे। तो यहाँ से हम लोग बाई सिमेट्री कह सकते हैं कि स्मॉल डी बाई 10 इज इक्वल टू कैपिटल डी बाई 30। स्मॉल डी हमें कैलकुलेट करना है, ये 0 0 कैंसिल हो गया, कैपिटल डी हमें पता है 3 सेंटीमीटर है, सो 3/3 इट इज 1 सेंटीमीटर। तो हमारा जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है उसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन हो जाएगा पाई इंटू डायमीटर स्क्वायर बाई 4, सो इट इज पाई इंटू 1 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो इट इज सिंपली
पाई बाई 4 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड दैट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 53। सो गाइज कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 54 और इसमें हमारे पास एक ग्लास हेमिस्फीयर दिया हुआ है यहाँ पे जिसका रेडियस हमें 4 सेंटीमीटर बताया हुआ है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 बताया हुआ है। एक ऑब्जेक्ट ओ इससे डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है और इससे मल्टीपल रिफ्रैक्शंस हो रहे हैं और MN जो है वो एक मिरर है, प्लेन मिरर है, उससे रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और फाइनली हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो फाइनल इमेज बने वो इन्फिनिटी पे बने। इसके लिए हमसे डी का वैल्यू पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये बोल रहे हैं कि रे डायग्राम कैसा दिखेगा इसका। तो ओ से एक लाइट रे, तो हम लोग नॉर्मल इंसिडेंस का केस ले रहे हैं, तो ये वाला जो रे है ओ से सी, फिर सी से डी और डी से ये फिर वापस अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा। और दूसरा लाइट रे जो हम लोग ले रहे हैं ओ से पी पे इंसिडेंस हो रहा है और पी पे इंसिडेंट होने के बाद ये फिर रिफ्रैक्ट हो रहा है और इसको बैक ट्रेस करने पे जो हमारा पहला इमेज है वो I1 बन रहा है। तो इसके लिए हम लोग पोजीशन पता करते हैं कि I1 का पोजीशन कहाँ पे होगा। तो लेट अस टॉक अबाउट कि हमारा जो पहला फ्लैट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ग्लास का, उसकी बात कर लेते हैं और इसका नाम हम लोग सरफेस ए बी रखते हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम सरफेस ए बी, तो यहाँ के लिए प्लेन सरफेस है तो हमारा जो फॉर्मूला आ जाएगा वो होगा म्यू टू बाई वी इज इक्वल टू म्यू वन बाई यू। और यहाँ पे जो हमारा इंसिडेंट रे है वो एयर में है इसलिए म्यू वन वन हो जाएगा और हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे है वो ग्लास में है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है तो हमारा म्यू टू 4/3 हो जाएगा। सो वी कैन राइट 4/3 विच इज म्यू टू डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू म्यू वन और अपना जो म्यू वन है वो वन है डिवाइडेड बाई यू, तो यू जो है अपने पास वो डी है लेकिन साइन स्कीम लगाएंगे तो इसको हमें माइनस डी लिखना पड़ेगा। सो लेट अस राइट माइनस डी और यहाँ से हमारे पास जो है वो वी की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास वी की वैल्यू आ रही है -4d/3। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि हमारा जो इमेज बनेगा वो एयर में ही बनेगा। सो बेसिक आइडिया यहाँ से हमें ये लगाना चाहिए कि हमारा जो CI1 है वो हमारे पास 4d/3 आ चुका है। अभी जो लाइट रे है पी से निकलने के बाद क्यू पे आएगा और क्यू पे ये एक कर्व्ड सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस से एक रिफ्रैक्शन होगा। तो उस रिफ्रैक्शन के लिए हम लोग दोबारा इक्वेशन लिखेंगे लेकिन इस रिफ्रैक्शन के लिए हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए होगा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा तो हमारा जो I1 है वो इस स्फेरिकल सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की अगर बात करें तो हमें इसके लिए DI1 चाहिए होगा। सो लेट अस राइट DI1 फर्स्ट। सो DI1 विल बिकम CI1 प्लस CD। CD हमें पता है 4 सेंटीमीटर है और CI1 हमने निकाला है 4d/3। सो इट इज गोइंग टू बी 4 + 4d/3। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है DI1 की। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। हम लोग ADB की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा वो है म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन ओवर आर। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारा जो इंसिडेंट रे है वो ग्लास में है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है तो हमारा म्यू वन जो है वो 4/3 हो जाएगा और रिफ्रैक्टेड रे जो है वो एयर में है इसीलिए हमारा म्यू टू जो है वो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा। सो लेट अस राइट म्यू टू जो है वो 1 हो गया। वी हमें पता करना है माइनस म्यू वन जो है वो हमारे पास 4/3 आ गया डिवाइडेड बाय यू जो है वो बेसिकली
डी आई वन है जिसकी वैल्यू 4 प्लस 4 डी बाई 3 है, लेकिन साइन स्कीम के हिसाब से हमें यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। सो लेट अस राइट माइनस 4 प्लस 4 डी बाई 3 एंड दैट इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन। तो लेट अस राइट म्यू टू 1 है, म्यू वन 4 बाई 3 है, डिवाइडेड बाई आर की बात करेंगे तो साइन स्कीम भी देख लेते हैं। आर की वैल्यू तो ऐसे 4 है बट हमारा इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ है, लेकिन रिफ्रैक्ट हमें आर जो मेजर करना है वो ऊपर की तरफ मेजर करना है। सो हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमें यहाँ पे नेगेटिव लेना पड़ेगा एज पर साइन स्कीम। सो लेट मी राइट माइनस 4 हियर। इसको अभी हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सो आई हैव 1 बाई वी और ये माइनस प्लस हो गया, सो प्लस 4 बाई 3 ओवर 12 प्लस 4D, 12 प्लस 4D एंड दिस थिंग डिवाइडेड बाई 3 एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 4 बाई 3 इज माइनस 1 बाई 3 डिवाइडेड बाई माइनस 4। ये 3 हम लोग यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पे भी हम लोग 4 को कॉमन लेकर के इस 4 के साथ कैंसिल कर सकते हैं। सो आई विल गेट 1 बाई वी प्लस 1 ओवर 4 चला गया तो 3 और यहाँ से 4 चला गया तो D, तो ये हमने 4 को कैंसिल कर दिया। माइनस माइनस यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई 3 ओवर 4 इज 1 बाई 12। और यहाँ से अगर हम लोग अपने इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो V की वैल्यू है वो कुछ आ रही है, V की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 12 इंटू डी प्लस 3 डिवाइडेड बाई डी माइनस 9। तो ये वैल्यू हमारे पास V की आ गई। तो V का वैल्यू पॉजिटिव है, कहने का मतलब कि हमारा जो इमेज बन रहा है यहाँ पे वो बन रहा है एयर वाले मीडियम में ही। सो लेट अस से I2 हमारा इमेज है, हालांकि इमेज फॉर्मेशन से पहले ही हमारा जो ये रिफ्रैक्टेड रे है Q से जो निकला है QR, वो I2 से पहुँचने से पहले ही हमारे रिफ्रैक्टिंग सर्फेस से जा करके टकरा जाएगा। बट नेवरदलेस हम लोग ये कह सकते हैं कि I2 हमारा इमेज है, तो हम लोग यहाँ से DI2 की बात कर सकते हैं कि हमारा जो DI2 है वो जो V की वैल्यू आई है वो हो जाएगी। सो आई विल सिंपली राइट कि हमारा जो DI2 है वो 12 इंटू डी प्लस 3 डिवाइडेड बाय डी माइनस 9 हो जाएगा। नाउ हमारा जो प्लेन मिरर है वो सिंपली ये करेगा कि QR को रिफ्लेक्ट कर देगा, QR जो लाइट रे आया है उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। और मिरर जो प्लेन मिरर है उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो इमेज डिस्टेंस के बराबर ही होता है। तो I2 इस प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और इसका इमेज जो है प्लेन मिरर I3 पे बना रहा है। सो आई कैन से DI2 इज इक्वल टू DI3, सो दिस वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू DI3। तो अभी जो DI3 है वो हमारे अगेन जो हमारा रिफ्रैक्टिंग सर्फेस है, जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेस है, हमारा जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ADB, वहाँ से फिर से एक बार रिफ्रैक्ट होगा, R से S पे आएगा, RS हमारा इंसिडेंट रे हो जाएगा और ये दोबारा से रिफ्रैक्ट होगा। अभी हम लोगों का कहना ये है कि जो लाइट रे है वो अपना फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनाएगा और इन्फिनिटी पे बनाने के लिए यहाँ पे अभी रिक्वायर्ड ये है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रे है वो हमारा CD वाले लाइन के पैरेलल हो जाए। सो दैट अगेन जब ये फ्लैट सरफेस पे पहुंचेगा तो यहाँ पे इसका कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा और ये CD के पैरेलल चला जाएगा और हमारा इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। सो अगेन वी विल से फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस ADB और ये दूसरी बार इस सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करेंगे, तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो DI3 होगा जिसकी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। और यहाँ पे ये भी याद रखना है कि ये हमारा जो DI3 है वो पॉजिटिव लिया जाएगा क्योंकि हमारा जो इंसिडेंट रे है RS वो भी ऊपर की तरफ है और DI3 भी हम लोग ऊपर की तरफ ही मेजर कर रहे हैं, इसलिए DI3 को हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव लेने वाले हैं। तो U हमारे पास अवेलेबल है, चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। एक और बात का जो ध्यान रखना है हमें कि हमारा जो इंसिडेंट रे RS है वो हमारा एयर में है, सो हमारा जो म्यू वन है वो 1 हो जाएगा जो कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और दूसरी बात कि हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे ST है वो ग्लास में है, इसलिए हमारा म्यू टू जो है वो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं अपना फॉर्मूला।
सो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। इसको अगर हम लोग फर्दर इलेबोरेट करें तो म्यू टू जो है एज यूजल हम लोग ने पहले ही बोला था कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होगा, वी हमें पता लगाना है। इनफैक्ट वी हमें पता लगाना है और हम लोग एक तरह से जानते भी हैं कि ये जो लाइट रे है वो सी डी के पैरेलल हो जाएगा तो हमारा जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनेगा। सो लेट अस राइट इन्फिनिटी हियर। सो 4/3 ओवर इन्फिनिटी माइनस म्यू वन, तो हमारा म्यू वन वन है, बाई यू, यू हमारा डी आई थ्री है और पॉजिटिव ही लेना है। सो लेट अस राइट 12 इंटू डी प्लस 3 बाई डी माइनस 9 जो है उसको हम लोग सीधे ऊपर में ले रहे हैं। सो डी माइनस 9 एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, दैट इज 4/3 माइनस 1। और इस बार जो हमारा आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर वो हमें पॉजिटिव लेना है क्योंकि हमारा जो इंसिडेंट रे है वो भी ऊपर है और आर का जो मेजरमेंट होगा डी से सी की तरफ होगा और उसको हमें पॉजिटिव लेना है। सो लेट अस राइट प्लस 4, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें 4 दिया हुआ है। सो 4/3 बाई इन्फिनिटी ये तो हमारा 0 हो जाएगा, माइनस डी माइनस 9 है तो इसको हम लोग 9 माइनस डी करके पॉजिटिव कर लेते हैं, डिवाइड बाई 12 ओवर डी प्लस 3। यहाँ पे 4/3 माइनस 1, 1/3 आ गया, 1/3/4, सो इट इज़ 1/12 आ गया हमारे पास। सो आई कैन कैंसिल दिस 12, तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है वो आ रहा है 9 माइनस डी इज इक्वल टू डी प्लस 3। दोनों साइड से हम लोग डी को कलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे डी प्लस डी 2D हो जाएगा और यहाँ पे 9 माइनस 3 जो है वो 6 हो जाएगा। फाइनली हम लोग देख रहे हैं कि हमारा डी का जो वैल्यू है 6/2 दैट इज 3 सेंटीमीटर आ रहा है और यही 3 सेंटीमीटर हमारे डी का वैल्यू है और यही हमारा आंसर है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग जो हमारा प्लेन सरफेस ए बी है उससे 3 सेंटीमीटर ऊपर अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो आफ्टर ऑल द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हमारा जो फाइनल इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनेगा। एंड दैट वॉज द कम्प्लीट एनालिसिस फॉर क्वेश्चन नंबर 54। सो गाइज लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 55 और यहाँ पे हमारे पास एक डबल कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है और बताया गया है कि एयर में इसका जो फोकल लेंथ है वो 25 है और दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बताया गया है कि एक रेडियस ऑफ कर्वेचर दूसरे का ट्वाइस है और लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 बताया गया है। हमसे R1 और R2 पूछा जा रहा है। सो वी विल यूज लेंस मेकर्स फार्मूला विच इज 1/F इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमारा जो फोकल लेंथ है वो हमें क्वेश्चन में 25 दिया हुआ है और साइन स्किन के हिसाब से कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव रखते हैं। सो 1/+25 म्यू का वैल्यू 1.5 माइनस 1 हो जाएगा। 1/R1 को हम लोग एज इट इज रखते हैं और ये R1 पॉजिटिव होगा, R2 नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं। R2 के जगह पे मैं 2R1 लिख रहा हूँ, सो इट इज 2R1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे सो आई विल गेट 1/25 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 इज 0.5 विच इज 1/2 और 1/R1 प्लस 1/2R1 तो दैट विल बिकम 3/2R1। तो यहाँ से हम लोग R1 की जो वैल्यू है वो बता सकते हैं एंड इट इज गोइंग टू बी 75/4 सेंटीमीटर। R1 पता चल गया तो हम लोग R2 भी बता सकते हैं विच इज 2R1, सो इट इज गोइंग टू बी 2 × 75/4, सो इट इज सिंपली 75/2 सेंटीमीटर। तो हमने इस तरीके से R1 और R2 दोनों कैलकुलेट कर लिया है और यही इस क्वेश्चन का। Thank you.